कि वो अच्छी चीज़ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? हो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखो हमारे नए रूम से क्या मस्त वाइब्स आती है, एकदम सही रूम है। पीछे पर्दे एकदम सही लग रहे हैं, मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। बट मेरे को कुछ येलो येलो शेड आ रही थी कल वाले ब्लॉग में, मैंने ढंग से देखा, आज वाले देख रहा हूँ। बट ये चली रहती है, मुझे मैं ऐड कर दूँ। चलो क्या भाई, मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो हमारे नए वाले पर्दे, इससे हमारी शेड मतलब फेस में कुछ और ही चमक धमक आती है। अभी नहाया था भाई, ठीक है, अभी नहाया है और 12 बजे, दोपहर के 12 बजे खाना पीना हो गया। चलो खाना तो क्या दिखाएंगे आपको, खाना हम डेली खाते रहते हैं। यहाँ पे रमन बाबू बैठे हैं साथ में, और इधर अपना दूजा किचन वाला पर्दा, ये आ हा हा पर्दे दिखा रहा हूँ आज। पता सीन क्या है, अभी के लिए अभी गर्मी लग रही है, अभी तो हवाइया से छाती में बाल बाल बुला ऐसे चले रहते हैं। बाल क्या है, दाढ़ी में कितने बाल। अभी गर्मी भयानक गर्मी हो रही है, हमारे पास पंखे नहीं, और जो लाइट बर्जरी है ना, जब लाइट ऑन होती है ना, ये तो एकदम हीटर वाला काम कर देती है। उन्होंने बोला था दिल्ली से बंदों ने कि भाई ये आपको हीटर भी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब लाइटें बजेगी। भाई इस कमरे में लगता है इस कमरे से हवा नहीं जाती, इससे बड़ा खतरनाक कमरा है, यहाँ से हवा नहीं जाती। एक बात की चलो कमियाँ होती है, बट हमारे लिए खुशी इस बात की ना, यहाँ पे धूल नहीं है, क्योंकि हमारा नीचे रूम आपने देखो सीधा NH से लगता था ना, ये ग्राउंड फ्लोर में धूल का तो नामो निशान नहीं है, और मतलब बहुत कम नॉइस है गाड़ी वगैरह का भी, तो इस कारण से मस्त है रूम। अभी देखते हैं, इसको कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पे बैठे हैं हमारे साहब जी, और इसको कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी देखते हैं हम उधर पंखा लाने जा रहे हैं, पंखा लाना हो सकता है पंखा, क्योंकि यहाँ नहीं बैठ पाएगा। अभी क्यों, बैठना नहीं रात को बैठना है, पूरी रात यहाँ पूरी दो रात, तीन बजे अभी फॉर्म भरने है ना, तो यहाँ इतना इतना कैसे बैठना, इतना भर नया हो तो सो ही रहा। चलो जो भी होगा अभी दिखा देंगे आपको है ना। और क्या बना है बैठना है गाइस, शाम के 6:30-7 होने वाले हैं, 7 बजे तो मंडी में मौसम, वहाँ पे लीजेंडर खड़ी है, लीजेंड सिंपल फॉर्चुनर है। और अभी मैं जा रहा हूँ होटल तक, अभी सुबह से लेकर अभी बाहर निकला हूँ मैं, मौसम चेक करो, और रूम में बहुत भयानक गर्मी है। अभी पंखे वाले अंकल आ गए हैं, अभी पंखा लगवा रहे हैं रूम में, अभी मैं आपको लेके जाऊँगा वापस रूम ना। अभी मैं थोड़ा सा चल जाता हूँ, उधर जा रहा हूँ होटल, समझ गए ना किस चीज़ के लिए होटल, अरे होटल। ऊपर पंखा घूमता है, नीचे हम ब्रेड खाते हैं, और यहाँ पे अब बढ़िया मस्त तो। गाइस साहब की अभी क्लास है, मेरे को बताना जो इसके स्टूडेंट्स कितने देखते हैं व्लॉग को, है ना, कमेंट कर लेना, एक भी कमेंट नहीं आएगा, कोई नहीं देखता उसको। अभी पता मैं क्या बता रहा था कि हाँ पंखा लग गया ना, हमारी कंडीशन अब बहुत अच्छी होने वाली है, नहीं तो यहाँ पागल हो रहे थे। ये देखो ये भी गर्म होता है, इसका भी आपको पता ही है, पीछे UPS लगा, पीछे इन्वर्टर लगा, बैटरी लगी है, और ये बड़ी स्क्रीन लगी है, और ये कितने कितने वोल्टेज की बताई तूने उन बंदों को, 4000 वोल्टेज की एक जिसने एक एक लाइट 4000 वोल्टेज की बताई है। बंदे बोलते हैं भाई हम खज लगे, 4000 वोल्टेज की लाइट, इतनी कर लाइट हो कैसे बोले 4000 वोल्टेज। मैं आपको किसने बताया, बोले भाई ने बताया, बोले 4000 की वोल्टेज की लाइट है कभी फिट, मैं ठीक है भाई हाँ बनाया तो 4000 की। गजब ऐसा सीन होता रहता है, पंखे की आवाज आपको आ रही होगी, हमारा तो मस्त लग रहा है। गजब देखो पसीना, वो भी कहाँ है कमरे के अंदर, ये तो पसीना, और हमारा पंखा पता नहीं क्या पंखा है भाई, स्पीड बढ़ा स्किन बढ़ी, हट ये पता नहीं क्या पंखा, कौन सा नशा करके गाइस चला, सब जगह पॉइंट में घुमा दिया इसको, ढक्कन अब जाकर ऊपर, दो में रखना पड़ता है, दो में रखना पड़ता है, ये जो नीचे का ऊपर के लिए, इसका मैं ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर के लिए करा डा पड़ेगा। ये तो इतना पसीना रात के 12 बजे पंखा होते भी हमारे को पसीना, उल्टी साइड को लगाने वाले से पूछना इसको, अपने को क्या पता है इसको क्यों लगाना। अभी डिनर हो रहा है गाइस 12 बजे, मतलब सोच लो आप 12:30-12:30 खाएंगे, अभी गर्म हो रहा है दाल सब्जी बड़ी, हाँ गर्म हो रही है, जितना गर्म हो गया 12:30 बज जाएंगे, ऑलमोस्ट 12:10 हो गए, अपना खाने का ये ऐसा सिस्टम है, रात को 12:30-12:30 खाते रहते हैं, पसीने से ऐसे हाल है, तो बुरे हाल हैं, पंखे होते भी यहाँ, तो आप सोच सकते हो अभी उतारे यार, अभी तक नहीं उतारे थे, पसीना कुछ ज़्यादा लेवल का पड़ गया ना। गाइस खाना पीना बड़ा हो चुका है बढ़िया से, सुबह का ही खाया और सब कुछ फ्रेश नहीं खाया, अभी अपनी है गुड नाइट वो ऑन वर्किंग, सॉरी वो ऑन वर्किंग, अपन गुड नाइट में मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।